अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा टू द रोल में हमें फिर से रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली का एंटरटेनिंग रोल निभाते हुए नजर आने वाली हैं, जिन्हें इस किरदार में देखने के लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मगर आपको बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म में श्रीवल्ली का रोल रश्मिका मंदाना से पहले कई हसीन अभिनेत्रियों को ऑफर किया था, मगर किसी न किसी वजह से वो अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के रोल में मगर किसी न किसी वजह से वो अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के रोल श्रीवल्ली के लिए रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद जाकर ये रोल रश्मिका को मिला। पर आखिर कौन कौन सी थी वो अभिनेत्रियां जो रश्मिका के रोल के लिए रिजेक्ट हुई थी, चलिए जानते हैं। नंबर एक, पूजा हेगड़े। पुष्पा टू द रोल में सबसे पहले रश्मिका के श्रीवल्ली वाले रोल के लिए पूजा हेगड़े को कास्ट किया जा रहा था और इन्हें ये रोल ऑफर भी हुआ था, मगर इनके पास फिल्म को करने के लिए डेट्स नहीं थी, इसलिए इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर दो, काजल अग्रवाल। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हसीन अभिनेत्री काजल अग्रवाल को भी इस फिल्म में श्रीवल्ली वाला रोल ऑफर हुआ था, पर ये अपनी पर्सनल लाइफ में काफी बिजी होने के कारण फिल्म में काम करने के लिए मेकर्स से थोड़ा वक्त चाहती थी, जो कि मेकर्स इन्हें नहीं दे पाए और उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर तीन, समांथा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु को जब रश्मिका मंदाना का श्रीवल्ली वाला रोल ऑफर हुआ तो इन्होंने रोल को स्वीकार तो कर लिया, जब इन्होंने इस रोल को करने के लिए ज्यादा फीस की डिमांड की तो मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर चार, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की ग्लैमरस क्वीन दीपिका पादुकोण को भी पुष्पा टू मूवी में रश्मिका मंदाना वाला रोल ऑफर किया गया था, जिसे निभाने के लिए ये काफी एक्साइटेड भी थी, पर जब इन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो ये रोल में फिट नहीं बैठी, जिसके कारण इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर पांच, काजल देवगन। बॉलीवुड की चंचल अभिनेत्री काजल देवगन को जब पुष्पा टू मूवी में रश्मिका मंदाना वाला रोल मिला तो ये उस रोल को करने के लिए काफी एक्साइटेड हो गई, जिसके कारण जब इन्होंने लुक टेस्ट दिया तो ये सही से एक्सप्रेशन नहीं दे पाई और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और तब जाकर ये रोल एक बार फिर से रश्मिका मंदाना को निभाने का मौका मिला। वेल दोस्तों, आप श्रीवल्ली के रोल में रश्मिका को देखना चाहते हैं या फिर इन अभिनेत्रियों में से किसी एक को, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।